चॉकलेट ट्रफल केक, और वो भी एकदम इजी वे से। आपको बिल्कुल भी बेकिंग नहीं आती है, आप बिगनर हो, फिर भी घर पर आसानी से बना सकते हो चॉकलेट केक। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप वार्म वाटर, 1.5 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर, 1 1/3 कप पीसी हुई चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल चलेगा। ये बात का ध्यान रखें कि उसकी फ्लेवर स्ट्रॉन्ग ना हो। 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून कॉफी पाउडर, 1/2 टीस्पून कॉफी पाउडर है। सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। मैंने एकदम स्लो गैस की फ्लेम रखी है और 10 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट करना है। तब तक हम अपना बैटर रेडी कर लेते हैं। मैंने यह वार्म वाटर के अंदर विनेगर और एसेंस दोनों डाल दिया है, ऑयल और कॉफी पाउडर। अब इन सबको एकदम अच्छे से हिलाएंगे। कुछ नहीं, ये हो जाएगा, थोड़ी सा लिक्विड हो गया है। अब इसको एकदम अच्छे से हिलाना है 5 मिनट के लिए। इसको एकदम अच्छे से विस्क कीजिए। अगर आप चाहो तो हैंड ब्लाइंडर से भी विस्क कर सकते हो। हमें ये वाटर को एकदम अच्छा मिक्स हो जाए तब तक हिलाना है 5 मिनट के लिए। अब हम मैदा, कोको पाउडर, पीसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सबको एकदम अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारे मिश्रण में बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इनको एकदम अच्छे से छान लेना है और छानने से एक अच्छा वॉल्यूम भी आ जाता है। अब हम ये मैदे वाला मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ सब नहीं डाल देना है, अगर आप एक साथ सब डाल दोगे तो घाटे हो जाएगी हमारे बैटर में, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये एकदम स्मूथ हो जाए उसके बाद दूसरा डालिए। सब डालने के बाद हमारा ये बैटर एकदम रेडी हो चुका है और हमें ऐसी थिकनेस चाहिए हमारे बैटर में ताकि ये ऐसे रिबिन जैसे गिर सके। बहुत लिक्विडी भी नहीं कर देना है। मैंने ये टिन को ग्रीस कर लिया है बटर से और ये नीचे बटर पेपर लगाया है ताकि हमारी केक एकदम अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगी। अब हम इसे एक दो बार टैप करेंगे ताकि अंदर बबल्स ना रहे। ये कुकर के अंदर मैंने एक छोटी सी रिंग रखी है, आप कुछ भी रख सकते हो, और केक को रख देना है और उसे 40 मिनट्स के लिए हमें बेक करना है। 40 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे हमारी केक हुई बेक हुई है कि नहीं हुई है। कोई भी चीज आप डाल के नाइफ भी डाल सकते हो और आपको चेक करना है। अगर नाइफ एकदम अच्छी निकली इसका मतलब हमारी केक एकदम अच्छे से बेक हो चुकी है और हमें इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारी केक अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगी। हमको सब साइड से एजेस एकदम से कट कर लेनी है उसकी और अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। हमने टिन में बटर पेपर लगाया था इसलिए हमारी केक एकदम अच्छे से डिमोल्ड हो चुकी है और हमारा टिन भी बिल्कुल गंदा नहीं होता बैटर पेपर लगाने से, एकदम क्लीन रहता है। अब हम केक को सीधी कर लेंगे और उसको गनाश से डेकोरेशन करेंगे। ये एकदम मस्त कलर आया है हमारी केक का। अब हम ऊपर की टॉप की सरफेस को एकदम अच्छा कर लेंगे। ये थोड़ी सी एक साइड से हमारी केक थोड़ी सी ऊपर फूल गई है, उसको निकाल लेंगे ताकि हमें डेकोरेशन करने में आसानी रहे। ये टॉप से थोड़ा सा निकाल देना है और आप देखिए हमारी केक में कितनी अच्छी जाली हुई है।
इसका मतलब हमारी केक एकदम सॉफ्ट बनी है, देखने से ही पता लगता है। अब हम गनाश लगा देंगे और इसको गनाश को एकदम अच्छे से फैला लेंगे। मैंने ये गनाश की, अगर आपको ये गनाश की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए और मेरी गनाश की रेसिपी देखिए। ये गनाश एकदम अच्छा बनता है और वो भी विदाउट चॉकलेट और विदाउट फ्रेश क्रीम के बनाया है मैंने ये गनाश। मुझे सरफेस एकदम स्मूथ नहीं करनी है, मुझे ऐसा डेकोरेशन करना है, चोको चिप्स लगानी है ऊपर, तो मुझे थोड़ी सी रफ सरफेस चाहिए, इसलिए मैं एकदम क्लीन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको फ्लावर ऐसा कुछ बनाना है तो सरफेस थोड़ा और गनाश लगाइए और एकदम अच्छे से ऊपर से उसको स्मूथ कीजिए। पर मुझे चोको चिप्स डालनी है, आप अभी देखोगे कि सरफेस थोड़ी रफ रखने से ऊपर चोको चिप्स एकदम अलग से उसका लुक आता है और अलग से दिखती है। ये मैंने नीचे बटर पेपर कट करके लगाया था ताकि हमारा ये बोर्ड है जो नीचे का खराब ना हो और हमारी आइट साइड की जगह एकदम क्लीन रहे। अब हम इसके ऊपर चोको चिप्स डाल देंगे रेंडमली और रेडी हो जाएगी हमारी चॉकलेट ट्रफल केक। उसको डेकोरेशन करना भी एकदम